देखिए, आज हर वर्ष की भांति हम लोग यहाँ शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित होते हैं और यह कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी सेना की ओर से आयोजित की गई है। इनके पदाधिकारी और सदस्यों को और युवाओं को जो भी इससे जुड़े हुए हैं, मैं उनको हार्दिक बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यह शिवा जी का जो मूर्ति लगाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, आज हम लोगों के बीच स्वर्गीय नरेश प्रसाद साहू जो गुमला पेट्रोल पंप के मालिक थे, नहीं रहे, उनका भी अगुवाई किए थे और बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर कई तरह के मूर्ति लगाने का यहाँ लोगों ने कोशिश किया गवर्नर के माध्यम से, मगर हम लोगों ने सब उस समय एक संकल्प कर लिए थे कि यहाँ लगेगा तो छत्रपति शिवाजी का ही मूर्ति लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा। तो काफ़ी संघर्ष के बाद आज इसको उस समय स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे उस समय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, बहुत ही मौसम खराब था, उसके बावजूद भी सब काम छोड़ करके उन्होंने आया और इसका उन्होंने उद्घाटन किया था। तो ये बहुत ही संघर्ष के बाद हुआ है और शिवाजी ऐसे महान व्यक्ति का आज जयंती हम लोग मना रहे हैं जो मुगलों के साथ संघर्ष किया और देश का मान सम्मान, समाज का मान सम्मान बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस जयंती के माध्यम से खास करके हम सबों को और जो आने वाले पीढ़ियों को और युवाओं को इससे एक प्रेरणा मिलती है और इसी उद्देश्य से हम लोग कि आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी को प्रेरणा मिलता रहे, इसीलिए शिवाजी का मूर्ति का स्थापना उस समय किया गया। और इस अवसर पर आप सभी मीडिया के भाई और जितने छात्र छात्राएं यहाँ आए हैं और समिति के सभी पदाधिकारी सदस्यगणों को, प्रशासन के अधिकारियों को मैं हार्दिक रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बात मैंने भूल गया कि उस समय मिलिट्री के जो यहाँ ब्रिगेडियर थे, नाम अभी याद नहीं हो रहा है, उन्होंने हेलीकॉप्टर से फूल का वर्षा करवाया था, तो ये डिफेंस के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है उद्घाटन कार्यक्रम में। और उस समय हजारों की भीड़ यहाँ हुई थी और बहुत से अन्य अतिथिगण में भी इसमें उपस्थित हुए थे। तो मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को शिवाजी छत्रपति शिवाजी की जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इसी तरह से और अच्छी से अच्छी तरह आने वाला समय में इनकी जयंती मनाई जाएगी ताकि लोगों को देश के प्रति, शिवाजी के प्रति एक प्रेरणा मिलेगी, ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं और निश्चित रूप से इससे प्रेरणा मिलती है युवाओं का। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय छत्रपति शिवाजी की जय कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।